मोटे तौर पर हम देखें तो पिछले एक दशक का ये दौर है जो सोशल मीडिया का दौर है, जब हम इंटरनेट से ज्यादा करीब आए और इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया से हम लोग करीब आए, तो ये एक दशक का पिछला दौर है जिस पर हमें आज बात करनी है इधर से। और उसके अलावा भी पिछले 5-6 सालों में तो जब इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा है, और ये एक तरह से सोशल मीडिया जो मेन स्ट्रीम का मीडिया हुआ करता था, जो कि इन्फॉर्मेशन का को सर्कुलेट करने का टूल हुआ करता था, उसका ऑल्टरनेट बन के निकला है। तो इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया की तरह देखा, सोशल मीडिया को। तो हम इस बहस को ही आगे बढ़ाते हैं। तो जो पहली बहस, हम थोड़ा सा एकेडमिक्स की बहस कर रहे थे कि क्या ये टर्म सोशल मीडिया, ये टर्म क्या इसके लिए बहुत उचित टर्म है, या जो न्यू मीडिया की जो बात चल रही थी, क्या ये जल्दबाजी में दिए गए नाम है, इसको कैसे देखते हैं। मैं प्रियदर्शन जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात इस पर रखें। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अपने अनुभव को अपनी संपदा मानते थे, वो मानते थे कि किताबों में क्या रखा है। धीरे धीरे किताबें ही अंतिम प्रमाण होती चली गई, सारे अनुभव किताबों में दर्ज हुए, और पढ़ने जो अपने अनुभव से हासिल ज्ञान था उसका वर्चस्व छूटता चला गया पीछे। और अगले मतलब कम से कम प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद के जो 500 साल रहे हैं वो लिखित शब्दों के की दुनिया के रहे हैं। आज जो दौर है और इन लिखित शब्दों की दुनिया ने लगभग अभिव्यक्ति के संप्रेषण के सारे माध्यमों को बदल डाला। कहानियां उस वाचिक परंपरा में किसी और ढंग से कही जाती होंगी, उपन्यास उस दौर में नहीं होते थे, कविता अलग ढंग से लिखी जाती थी। जो मुद्रित शब्द आया, जो प्रिंटिंग प्रेस आया, उसने अचानक इस अनुभव का ऐसा व्यापक लोकतंत्रीकरण किया कि हर किसी की चीज हो गया, और उसने नई विधाएं निकली, नए उपन्यास निकले, नई कहानियां निकली। अब जो इंटरनेट आया है वो एक उसको और आगे ले जा रहा है, उसने स्मृति पे जो बची खुची हमारी निर्भरता थी उसको खत्म कर दिया है। अब तो धीरे धीरे लिखने पर भी हमारी निर्भरता खत्म हो रही है। अब हम चीजों को देखते हैं, और अब नए स्मार्टफोन हैं, उनमें आप बोलते हैं बोलते हुए लिख सकते हैं। एक उपन्यास बाकायदा कोई लिख रहा है जो बोल कर लिख रहा है। तो एक तरह से वाचिक परंपरा की वापसी हो रही है। एक बात में आपका जो सवाल था कि सोशल मीडिया इसको क्यों कहें, असल में ये फर्क थोड़ी चालाकी से पैदा किया गया, लेकिन इसके अपने मायने हैं। जो इंटरनेट का माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम है, जो वो बेसिकली कमर्शियल माध्यम है। टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट, एनडीटीवी की साइट, टीवी 18, ये सब कमर्शियल है। इस कमर्शियल एस्पेक्ट के अलग एक नॉन कमर्शियल जो मंच है, जो मोर्चा है, वो सोशल मीडिया का उन्होंने बनाया कि इसका प्रोफेशनल, इसका कमर्शियल एंगल नहीं है। लेकिन वो सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए जो व्यावसायिक नहीं है, सिर्फ इसलिए वो सामाजिक नहीं हुआ है, उसने वाकई के स्तरों पर सामाजिकता के पुराने सूत्र खोजे हैं। असल में सोशल मीडिया हमारे एक समय के अभाव की, संकट की भी पैदाइश है। हम लोग जो जिस दौर में जी रहे हैं उसमें हमारी अपनी अपनी दुनिया बड़ी घेरों में बन गई है। हम अपने दफ्तर से घर, घर से दफ्तर आते जाते हुए हमारे सामाजिक संबंध सिकुड़ गए। बच्चे कहीं और रह रहे हैं, पिता कहीं और रह रहे हैं, शहर में दोस्त रह रहे हैं, उनसे मिलना जुलना नहीं हो रहा है, पुराने मोहल्ले, पुरानी गलियां, पुराने चौराहे खत्म होते जा रहे हैं। ये जो संबंधों का लगातार सिकुड़ता हुआ संसार है, इसमें सोशल मीडिया ने आपके लिए उसकी पूर्ति की कि आपको लगातार अपने पुराने दोस्तों तक लौटाया। हम और आप परिचित नहीं थे, अचानक हम परिचित हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं एक शायद यहां बैठे हर आदमी का अनुभव होगा कि फेसबुक पे उसको अपने स्कूल के जमाने के दोस्त मिल गए, जो स्कूल और कॉलेज के छूटे हुए दोस्त थे उनके ग्रुप बन गए, मोहल्लों के ग्रुप बन गए, पुरानी प्रेमिकाएं भी मिल गई, सब मिलते चले गए। नहीं भी मिली पुरानी ही क्यों, मतलब वो एक पूरा का पूरा दौर है जो अब हमारे रिश्तों को बिल्कुल वायवीय ढंग से, बिल्कुल डिजिटल ढंग से अभिव्यक्त कर रहा है। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया इस मायने में, अच्छा दूसरा, वो बहुत सारी एंटी सोशल गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहा है। इस सोशल मीडिया ने जो दूसरा काम किया, हमारे यहां जो लैंगिक विषमता अपने चरम पे थी, मैं देखता हूं फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो लड़कियां हैं वो इतनी मुखर हैं, इतने सारे मुद्दों पे अपनी बात रख रही हैं जो समाज उनको बिल्कुल मौका नहीं देता। आप उनसे बहस करें, वहां भी मर्दवाद बहुत अपने कुरूप रूपों में प्रकट होता है, लेकिन वहां वो पलट के चाबुक खाता है। एक नया संसार, एक नई संवेदना ये सोशल मीडिया बना रहा है,
और मुझे लगता है कि उसका नाम हिंदी में आपको जरूर उसका नाम सोचना होगा, अंग्रेजी में सोशल मीडिया स्थिर हो चुका है।